vous? Similar gender is equal to ratio of their corresponding size. Yes, ये बताओ ये मैं मी और ये सेंट मैं सेंट के सिमिलर कब होऊंगा मैं सेंट के सिमिलर कब होऊंगा बेटा जब मेरा एंगल ऑफ विजन जो है मेरा देखने का नजरिया और सेंट का देखने का नजरिया जैसा होगा जब मैं जैसे जैसे संत सोचता है वैसे ही मैं भी सोचूंगा तो मैं भी संत जैसा बन जाऊं सर मैं गॉड जैसा भी बन सकता हूं क्यों नहीं बन सकता हाँ बताओ क्यों नहीं बन सकता मैं गॉड जैसा कब बन सकता हूं साईं बाबा कहते हैं मैं गॉड हूं और तुम भी गॉड हो पर कितना है कि मैं जानता हूं कि मैं गॉड हूं और तुम नहीं जानते कि तुम गॉड ओके चलो ये बहुत बड़ी बात है पर अगर मेरा विजन भी गॉड के विजन जैसा हो जाए जो गॉड जिस तरीके से करता है वैसे मैं भी करने लगूं सब चीजें वो देता ही देता है कोई पार्शियलिटी नहीं करता जो भी गॉड के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो गॉड में वो मुझ में आ जाए तो मैं भी गॉड बन सकता हूँ ठीक है ओके तो हम कर रहे थे सिमिलर ट्रायंगल्स एरिया दोनों का सिमिलर ट्रायंगल्स का स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के हाँ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है ठीक है ना जल्दी जल्दी कोई इसको कर दे रिवाइज फिर हम आगे चलना चाहते हैं कौन मुझे बताएगा व्हाट इज गिवन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ठीक है इतना ही दिया टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू चलो अब जल्दी जल्दी बताना और अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो इक्वल टू समझ गए ओके फिर हमने क्या किया था ठीक है फिर हमने क्या किया था कंस्ट्रक्शन की थी
एपी और डीके परपेंडिकुलर किया था, फिर हमने क्या किया था, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीके परपेंडिकुलर टू किया था, फिर हमने क्या किया था, ट्रायंगल एबीपी को डी क्यू के सिमिलर किया था। कैसे सिमिलर हो गई थी, ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है कि एंगल इक्वल होता है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसलिए दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है। फिर हमने क्या कहा था कि AB बटा DE इज इक्वल टू AP बटा DQ, ठीक है। फिर हमने कहा था कि AB बटा DE तो BC ओवर EF के बराबर है, ठीक है। फिर हमने जहां पर हमारा एरिया आया था, यहां हाफ इंटू बीसी इंटू एपी, हाफ ऑफ तो हमारा कैंसिल ही हो गया था, फिर इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया था और ये आया था बीसी स्क्वायर ओवर ईएफ, ठीक है। फिर हमने कहा था कि क्योंकि एबी बटा डी इज इक्वल टू बीसी बटा ईएफ इज इक्वल टू एसी बटा डीएफ है, इसलिए दोनों को मिला के, ठीक है, यहां तक ये क्लियर है ना, अब आपको मैं आगे चल सकता हूं ना, ओके। नाउ वी विल प्रूव पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो काफी देर से करते आ रहे हैं ना आप, हाँ, इन इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ ठीक है, यस सर, यही था ना, यस सर, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? राइट एंगल है, ऊपर बन रहे, अगर इसको ऐसे रखेंगे तब भी राइट एंगल ही रहेगी, राइट एंगल तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आता है कि ऐसे होती है, राइट एंगल ट्रायंगल सो नहीं सकती क्या? सो सकती है ना, ये खड़ी है, ये सोई हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू अस, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दी है, राइट एंगल एट ए, ठीक है, यस सर। और टू प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बीसी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं,
जो एंगल के सामने वाला जो 90 डिग्री के सामने हो ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, इजंट इट? यस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर यानी इसका स्केयर इस दोनों के स्केयर के बराबर है, ठीक है? क्लियर? फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं एक थ्रू ए ड्रा एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक, क्या हो बेटा? हम भी हंसे लेते हैं, आप बताओ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ हाँ बताओ, खड़े होकर बताओ क्या सबके हंसने वाली है कि वैसे ऐसे तो नहीं हंसते होते, ऐसे कौन होते बेटा? अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, इतना टाइम भी लगाओगे तो आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि हम मिक्स हो के नहीं क्या हो जाएगी? डीके के एनजी के एनजी के क्या मतलब? धोबी का कुत्ता घर का लगाया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। देखो जब पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी हालत ये हो जाएगी। ये धोबी का कुत्ता क्यों कहते हैं कुत्ती बन गया? सारा काम जेंट्स ने लिया हुआ है। ओके, थ्रू ए ड्रा एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। नाउ अब हम देखते हैं कि बड़े वाली ट्रायंगल है एबीसी, एक छोटी ट्रायंगल है ये, इसका नाम अभी बाद में लिखेंगे, वजह बताते हैं नाम बाद में क्यों लिखेंगे, वो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा हमने बाद में नाम लिखा, लेकिन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? ये जो एंगल है बी ए सी इज इक्वल टू ए डी बी, ठीक है ना? कौन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल का 90 डिग्री का एंगल और छोटे वाली ट्रायंगल का 90 डिग्री का ये एंगल, ठीक है? और ये एंगल बड़ी वाली में भी आ रहा है, छोटे वाली में भी आ रहा है, बड़े वाली ट्रायंगल में भी बी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये एंगल कौन सा एंगल? एबीसी, ये बीएसी थी ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एंगल
अब मुझे ये बताओ कि ये जो बड़े वाली ट्रायंगल थी उसका ये साइड ए और इसकी ये डी, ये दोनों पर बना हुआ एंगल बराबर है, ठीक है। मान लो एक मिनट के लिए मैं इसको काट देता हूं। अब काटने के बाद एक छोटी ट्रायंगल आई और एक बड़ी ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में दो एंगल, एक का 90 डिग्री का एक एंगल है, एक एंगल बी है दोनों का, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होनी चाहिए ना। सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे बताइए, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। हम कहते हैं किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर बराबर हो जाएं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती है। अब ये बड़ी ट्रायंगल है बीएसी, उसका एक एंगल ये 90 डिग्री है, तो छोटे वाली ट्रायंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल इसका बी है, बड़े वाली ट्रायंगल का भी है और छोटे वाली ट्रायंगल का भी है। तो इसका जो तीसरा एंगल है, जो तीसरा एंगल है ये छोटे वाली ट्रायंगल का, ये तीसरा एंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा है? इसका क्या मतलब है कि ये जो छोटे वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल है, राइट, वो बड़े वाली ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि अगर ये सिमिलर हैं तो कौन सा एंगल किस एंगल से बन रहा है? मैं यहां पर उत्तर एंगल का नाम क्या लिखूं? जो बड़े वाली ट्रायंगल का ए पे बना हुआ एंगल है वो ये है, और छोटे वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल किस पॉइंट पे बना है? तो यहां डी तो हो गया फिक्स, डी फिक्स हो गया। जैसे एबीसी लिखा है ऐसे यहां मैं डी से शुरू करूंगा, ठीक है। और बड़ी वाली ट्रायंगल का जो बी एंगल है वो छोटे वाली ट्रायंगल के भी बी के ही बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बी फिक्स हो गया। तीसरा एंगल इस छोटे वाली ट्रायंगल का तीसरी बात समझ में आई कि मैं इसको डीबी क्यों लिख रहा हूं? हां जी सर। इसको एबीडी क्यों नहीं लिखा, डीएबी क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि ये दोनों एंगल तो बराबर है, कॉमन है, और जो ये बड़े वाली ट्रायंगल है उसका ये जो ए पे बना हुआ एंगल है ये डी के ऊपर है, वो छोटे वाली ट्रायंगल का डी पे बना हुआ एंगल है, और बड़े वाली ट्रायंगल की जो सी पे बना हुआ है, सी पे बना हुआ एंगल है ए पे, वो छोटे वाली ट्रायंगल के ए पे बना हुआ एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी। तो आपने अभी एक थ्योरम की है, क्या एरिया थ्योरम जिसको कह रहे हैं, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डी, अब कौन सी ट्रायंगल डी बी ए शुड बी इक्वल टू, वो क्या कहती है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, तो इज इक्वल टू, अब बताइए क्या होना चाहिए? वो छोड़ दो सारा, आखिर वाला रिजल्ट बताओ। बेटा आपने किया था ना, आपने कहा था इन दोनों का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर मींस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर।
बी और ए बी तो एक ही बात है ना, ये बात समझ में आने वाली है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको एरिया थ्योरम समझ में आ गई, क्यों किया है, कैसे किया है, समझ आया ये? अपन ने तो कुछ नहीं किया, पहले ये दो ली ए बी, तो ये डी बी ले लिया, फिर अपन ने ये लिया, फिर बी ये ले लिया, फिर ये लिया, ठीक है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीए इज इक्वल टू, अपने को बाकी सही है नहीं, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तीनों के बराबर है, पर अपन को एक ही चाहिए, अपन ने एक ले लिया, एक ले लिया, नहीं समझ में आई? एक काम और भी करते हैं, फिर बाद में जाकर कंफ्यूजन होएगा। बेटा आप मुझे बताओ, अपन 16 का स्केयर है, मान लो 16 के स्केयर को हम कहते हैं, 16 का स्केयर 8 के 4 के बराबर भी होता है और 8 के 4 के बराबर होता है क्या? हाँ, 2 के 8 के बराबर, और किसके बराबर होता है 16 का स्केयर? 256, 4 चौके 16, चौके 64, चौका 4 स्केयर तो 16 का स्केयर हुआ, 4 into 4 into 4 into 4 नहीं समझ आई? 16 का स्केयर कितना होता है? 256, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256, और 4 की पावर 4 भी 256, तो मैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मैं ये नहीं लिख सकता कि ये इसके बराबर है, इसको छोड़ दूं मैं, लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने वही किया था, आप नाराज हो गए। फिर से देखिए, मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, एक ही बार तो करानी है, आप कौन सा मेरे पास बार बार आओगे? अपन ने ये कहा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है इसके भी दो एंगल बड़े वाली ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो हमने एक थ्योरम की थी, क्या थ्योरम की थी वो, कि जो ट्रायंगल का एरिया है, ये जो ट्रायंगल है डीबीए और ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इनकी कॉरेस्पोंडिंग साइडें का स्क्वायर, कॉरेस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर बराबर है। इस बात को अब चलो मुझे एक बार जरा अच्छी तरह से बताओ, इसका क्या मतलब है? मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये 4, 5 और 6 है, इसकी ये साइड 4, 5 और 6 है, एक और ट्रायंगल है उसकी साइड 8, 12 और 10 है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ठीक है,
ठीक है, पहले तो ये बताओ कि क्या ये सिमिलर है? नो सर। कैसे पता चला कि सिमिलर नहीं है? सर क्योंकि 4 की स्क्वायर तो 16 आएगी और 8 की स्क्वायर 64। स्क्वायर की बात नहीं हो रही बेटा, ये तो साइडें हैं। ये 4 थी अब ये 8 हो गई, ये 6 थी अब ये 12 हो गई, और ये 5 थी अब ये 10 हो गई। रेशो बराबर होगी ना, साइड की रेशो बराबर होगी तो ये सिमिलर होगी। अब मुझे बताओ कि मेरे पास ये दिया हुआ है, ये मान लो से कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 10 है, तो इसके बारे में क्या बता सकते हो कि ये कितना होगा? 20। सोच के बताओ। 20 एरिया, यस, इसका एरिया ओवर इसका एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड मतलब एरिया की बात कर रहा हूं। अगर इसका एरिया मान लो, ये छोड़ देता हूं, भूल जाता हूं, एक मिनट, इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया कितना होगा, बस ये बता। उस ट्रायंगल का एरिया एक्स है तो दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया दुगना होगा, चौगुना होगा, आठ गुना होगा, है 2x होगा। सोचो, अपन फिर से लिखते हैं, ये इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल ए, इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग साइड, 4 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 square, 12 square, 5 square, 10 square. अब बताओ कितना एरिया दोनों के एरिया में, 6 10। आप दुगना कह रहे हैं, दुगना तो नहीं, साइडें दुगनी है, एरिया चौगुना होगा। देखो ये क्या होता है, 4 और 8 का 64। एरिया 4 गुना होगा, साइडें दुगनी है बट एरिया 4 गुना है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे, ये दोनों है, इनका ये पता है कि दोनों सिमिलर हैं, तो आपने बताया कि अगर ये सिमिलर हैं तो इस साइड का स्क्वायर ओवर इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर ओवर इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर ओवर इस साइड के स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। अब मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझको तो एक चाहिए, मैं ये लिखता हूं इज इक्वल टू आप समझे, ये चीज इसके बराबर है, वो भी इससे आगे किसी और के बराबर है, फिर वो उससे आगे किसी और के बराबर है, तीनों है, मुझे एक चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये ट्रायंगल तो आपने इससे कर ली, अब इस ट्रायंगल का भी कोई बड़े ट्रायंगल से कोई सिमिलर वाली बात है क्या? देखो, यस सर, नाउ
इसका नाम लिखेंगे अभी, वो जो दूसरी वाली ट्रायंगल है उसका नाम लिखेंगे। इसमें एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी ठीक है, बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी ठीक है, इच इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसमें भी एंगल सी है, बड़े वाले का भी एंगल सी है ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। आपने एक बड़ी मजेदार चीज देखी कि जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर बनता है और ये वाला एंगल वो इसके बराबर बनता है ठीक है। अब बताओ कौन सी ट्रायंगल, या नाम कैसे लिखूं इसका, डी सी ए सोचो ठीक है, ये तो ठीक है जो ए पे बना वो आपका एंगल है, वो एंगल ए पे है हाँ जी, एग्री करते हैं डी ए सी क्यों डी ए सी क्यों डी ए सी क्योंकि ये एंगल तो सी है दोनों का, अब बच क्या गया तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ठीक है। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दो आई है ना मेरी, एडिंग ये मेरा फर्स्ट था, ये फर्स्ट था ना और ये सेकेंड है, क्या ऐड कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दूसरी साइड ए बी स्केयर अपॉन बी सी स्केयर प्लस एड कर रहे हैं ना, फ्रॉम नहीं कर रहे एड कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अब एड करोगे एलसीएम लेते हो आप कुछ क्या, पहले वाले का एलसीएम आया ट्रायंगल एबीसी और ऊपर क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल और यहाँ स्क्वायर
समझ आ गए कैसे है? वो नीचे बीसी स्क्वायर था तो ऊपर एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर आ गए। अब जरा ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी किसके बराबर है? नहीं समझ रहे, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी, ये प्लस ये दोनों मिलके कितना बड़ा एरिया बनता है? हाँ, ये कह रहा था, ये दोनों का मतलब है ट्रायंगल एबीसी, मतलब मैं इस एरिया में इस एरिया को जमा करूं तो क्या आ जाता है? एबीसी अपॉन, पहले से भी एबीसी है और दूसरी साइड में क्या है? दूसरी साइड में क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कट गया, जीरो वन, यही देखना चाह रहा था, वन आया ना, वन इज इक्वल टू प्लस। अब दूसरी तरफ चला गया, मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, किस किस को पूरी तरह से ऑनेस्टली समझ आया है बताओ? 1 2 3 4 5 जिनको समझ आया है वो, बाकी जिनको नहीं समझ आया उनको समझा सकते हैं क्या? यस सर। तो आज आपने एक काम करना है, देखो आपके पास अब बड़ा सारा काम हो गया, आपने काम क्या करना है, पहले अभी अभी यहाँ रिवाइज करेंगे, हम रिवाइज करते हैं, लेकिन आज आपने जम के चार थ्योरम हो गई आपकी। Yes, ये चारों थ्योरम्स पूरी करनी है, इसमें से दो थ्योरम्स आपको आनी है, सर ने आपका टेस्ट लेना है, वो टेस्ट चेक करना है सर आपने। तो ये आज आपने ये शाम तक रिवाइज कर रात को आपने इसका टेस्ट देना है, चारों थ्योरम्स में से कोई दो